वेलकम बैक टू द चैनल अगेन और आई होप कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आप अपनी जगह पे सही सलामत होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को एंजॉय करिए, मज़े करिए। गाइस अभी 11 बज चुके हैं, अभी घर से निकलना है। 7 बजे उठा था लेकिन बाहर बहुत तेज़ बारिश थी, बारिश देखी और फिर मैंने कहा सो जाते हैं, अभी उठने का टाइम नहीं हुआ है, तो फिर दोबारा से सो गया। फिर उठा 9 बजे, अभी ब्रेकफास्ट किया है और नहा के रेडी हो गया हूँ। अभी निकल रहे हैं हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और आज हमने जाना है बेलकोनन शॉपिंग सेंटर के पास में कोई सब्जी मंडी, जैसे इंडिया में सब्जी मंडी होती है वैसे टाइप की कोई सब्जी मंडी है, वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि कैसी सब्जी मंडी होती है ऑस्ट्रेलिया में। एक क्वेश्चन है यार मेरा सभी आप सभी से, जो भी आप देख रहे हैं, तो जब भी बारिश आती है तब नींद ज़्यादा क्यों आती है, क्या रीज़न है? मैं अभी 7 बजे उठ गया था, जैसे देखा बाहर बारिश है जाके वापस ले, मेरे को लगा कि थोड़ी देर में लेट जाता हूँ लेकिन थोड़ी देर में बहुत खतरनाक नींद आई। मैं 9 बजे उठा फिर से 2 घंटे के लिए सोया। क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है? यदि ऐसा होता है तो अभी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर मुझे बताएं कि ऐसा सबके साथ होता है, मेरे अकेले के साथ नहीं होता है। बादल क्लियर आसमान और नया ड्राइवर, तब तक की स्पीड 80 का जोन, नया पायलट साथ में है। आज मैं आराम से बैठा हूँ, बहुत दिनों बाद ऐसा मज़ा आ रहा है कि हाँ गाड़ी कोई और बंदा ड्राइव कर रहा है और मैं आराम से बैठ के मज़े ले रहा हूँ। तो हमेशा की तरह थोड़े बहुत इधर उधर धक्के खा के हम फाइनली पहुंच गए हैं वेजिटेबल मार्केट। वो जो पीछे शेड आपको दिख रहा है वहां पे मार्केट है, सब्जी मंडी बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सब्जी मंडी। ये ड्राइवर आज का, वेल डन, गुड ड्राइव, बहुत ही बढ़िया ड्राइव करने लग गई है अभी। एक अभी से जब 2-3 महीने पहले ड्राइव करती थी तो बहुत डरती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको सब कुछ सिखा दिया है, अब सीख गई है। किसने सिखाया? मैंने। किसने सिखाया? खुद ने। यस। तेरे को याद है जब मैं तेरे को हंसी लेके गया था ड्राइव सिखाने? हाँ, बीच रास्ते में उतार दिया था तभी उस दिन के बाद से ही इसको ड्राइविंग अच्छी आई है और ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद मैंने इसको कभी बीच रास्ते में उतारा नहीं है। मैं सोच रहा था पहले एक दिन कि इसको बीच रास्ते में उतार दूँ तभी जाके ये अच्छी ड्राइव सीख पाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आता है। भाई ये बनाना मैंने ऑस्ट्रेलिया में ही देखे हैं, पता नहीं किस टाइप के बनाना है। इसमें $8 और जो ये वाले बनाना है नॉर्मल बनाना $2, 2.99। मूंगफली $13 पर केजी, अखरोट $15। ये है पैशन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट $15। लीची, ये लीची है। करेला बनो माय फेवरेट सब्जी यहाँ पे। हाँ हाँ मजा आ जाएगी आपको। ये क्या है, व्हाट इज दैट? ये आप बता देना यार, ये चप्पल कद्दू है, ये क्या है आप बता देना, मुझे तो पता नहीं क्या है। और ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? दुनिया का सबसे महंगा फ्रूट या फिर वेजिटेबल में ये है अपनी क्या, जिंजर, इसको क्या बोलते हैं, अदरक, $60 पर केजी। इसको अपने इंडिया के हिसाब से बताइए, 3,000 की 1 किलो जिंजर बोले तो अदरक इतनी महंगी है भाई। ये
यहाँ पे आलू हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 टाइप के आलू हैं। तो ये क्या है? ये ब्रसल होते हैं। ये तो मुझे बंद गोभी का छोटा बच्चा लग रहा है। हाँ, ये वही मैं बनाती हूँ, बड़े का भी बंद गोभी का छोटा बच्चा। आज बहुत सारी ग्रोसरी शॉपिंग कर ली है और मेरे पीछे फ्लोर देखो आप यार, ये ना सफाई वाली बात मेरे ना मन में हर जगह आ जाती है जहाँ पे भी जाता हूँ यार। सब्जी मंडी है कितनी क्लीन, यहाँ पे हर जगह बिन लगे हुए हैं, काफ़ी साफ सुथरा है। तो आई होप कि ऐसा हम इंडिया में भी रख सकते हैं यार, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस हर एक बंदे को करना पड़ेगा। हर जगह जाओगे तो बिल्कुल क्लीन मिलेगा आपको, क्योंकि कोई भी हर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एक एक बंदे से सफाई होती है और एक एक बंदे से गंदगी बढ़ती है। एक रिस्पॉन्सिबल मैन की तरह मैंने अपना थैला उठा के अपने कंधे पे डाल लिया है। ग्रोसरी शॉपिंग हमेशा मैं ही करता हूँ, मोनिका कभी कभार जाती है, बट ये शायद अब बोले कि है ये हमेशा ग्रोसरी शॉपिंग यही करती है। कौन करता है ग्रोसरी शॉपिंग? देख ये ऐसे बोल रही है, मैं, इसका मतलब मैं करता हूँ ग्रोसरी शॉपिंग। सब्जी मंडी से सब्जी की जो शॉपिंग है वो हो गई है पूरी। अभी जा रहे हैं बैक टू द कार। कार में जाके मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, कुछ बताना है, कुछ दिखाना है आपको। तो यहाँ से बात साबित हो जाती है कि मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने नहीं जाता। रीज़न क्या है कि मैं अभी वहाँ पे गया आलू बुखारे लेने, ठीक है, प्लम आलू बुखारे। तो उसने मुझे चार्ज किए $8, जिसका नॉर्मल रेट था $3। मैं अपना गया, शॉपिंग करी, पैसे पे किए, निकल के आ गया, बाद में मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया कि $8 वहाँ पे चार्ज हुए। तो मैंने वैसे पूछ लिया हमारे फूड इंस्पेक्टर से कि ये $8 चार्ज किया उन्होंने, तो उसने बोला नहीं $8 के तो नहीं थे, बहुत ज़्यादा महंगे लगा दिए शायद। तो फिर हम वापस गए, जाके प्राइस देखा तो वो $3 का था। फिर मैंने उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे ये लिया था तो $3 का था और आपने $8 चार्ज कर दिया, तो वापस उन्होंने रिफंड किया, फिर $3 उन्होंने वापस मेरे से लिए। तो यार ये अच्छी बात है खासकर यहाँ पे, बट गलती किसी से भी हो सकती है, वो इज़ ए मिस्टेक एंड दे शुड ट्रीट इट कम्प्लीटली। तो मैंने सोचा कि चलो यार छोटी सी बात है बता देता हूँ आपको, बट ग्रोसरी शॉपिंग मैं करता नहीं, यू नो। अभी ड्राइवर चेंज हो गया है, मैं करूँगा ड्राइव, मैडम बैठेंगी साथ में। अभी जाएंगे हम रेस्टफील्ड वेलकम, जो यहाँ से सिर्फ 2 मिनट। तो गाइस फाइनली आ गए घर। घर पे आके देखा एक निठल्ला आदमी यहाँ पे सो रहा है, बैठा हुआ है, सामने टीवी चल रहा है, इंडिया की धुलाई हो रही है बहुत बढ़िया वाली। अभी आपको बताता हूँ क्या क्या लेके आए हैं। सबसे पहले तो ये घिया, प्राइस भी तो बताने को रेंडो है ना, प्राइस बताऊँगा तो यार आप लोग डर जाओगे, इतना महंगा ऑस्ट्रेलिया, क्या बताऊँ। घिया लेके आए हैं, ड्रैगन फ्रूट, अंगूर, बताओ बताओ ये बताओ है भाई, तुम बताओ, ये बताओ, ये बताओ है या फिर क्या, ये टमाटो और सब्जियाँ क्या दिखाऊँ यार। हाँ ये सारी इस टाइप की सब्जियाँ लेके आए हैं, अभी ज़्यादा सब्जियाँ दिखाऊंगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो दैट्स ओके, डजंट मैटर, कभी कभार थोड़ी बहुत ऐसी वीडियो बन जाए तो थोड़ा सा सह लेना, हल्का सा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मैं इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, लेकिन ये मान नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा बंदा है ये। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, हैव अ ग्रेट डे। अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, थैंक यू वेरी मच। और एक बात तो बोलनी भूल ही गया था, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और घंटी बजने के बाद में, थैंक यू वेरी मच।